to our channel All A Scholars. Today we will continue our previous chapter, that is going on compound interest and in compound interest. Today is part 8 of this chapter. So let's start. Sorry, part 8 hai ye. Okay, part 8 hai, 8 of this chapter. So let's start. So today we will discuss about growth and depreciation. ठीक है, आज हम इनके बारे में जानेंगे. क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये तो देखता ही समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ और डेप्रिसिएशन दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स है. इसका मतलब हम यहाँ पे कितने कंसेप्ट सीखेंगे, कम से कम दो तो जरूर सीखेंगे, एक ग्रोथ के लिए और एक डेप्रिसिएशन के लिए. तो सबसे पहले बार बात करते हैं ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ. आप ये वर्ड को बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ. तो ये ग्रोथ है क्या, तो ग्रोथ किसी भी चीज में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड के वेट में ग्रोथ हो गया, ट्री के हाइट में ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गया. सपोज इंडिया की कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ग्रोथ किसी भी चीज में हो सकता है, हाइट में, वेट में, लेंथ में, और एनी अदर थिंग. ठीक है, एनी अदर थिंग, वो भी आप सोच सकते हैं. तो ग्रोथ क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम ग्रोथ बोलेंगे. तो ग्रोथ तो कुछ भी हो सकता है, ग्रोथ मतलब कोई भी चीज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है. ठीक है, जब यही ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, सपोज 10% बढ़ रहा है इस साल, अगले साल फिर 10% बढ़ रहा है, फिर अगले साल फिर 10%, अगर इस तरह से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ का एक फॉर्मूला बनाते हैं, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है और ग्रोथ होने के बाद का सिचुएशन क्या होगा. तो इसीलिए हम लोग को ग्रोथ पढ़ते हैं. और पढ़ना क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिमिलर फॉर्मूला होता है ग्रोथ का भी. इनफैक्ट ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकल के बना हुआ होता है. इसके वजह से क्या होता है कि हम ग्रोथ को इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ग्रोथ और डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ. तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, द ग्रोथ पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ. ओके, हर साल ग्रोथ के रेट को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है, तो अभी तक हम लोग रेट किससे पढ़ रहे थे, 8% रेट पढ़ रहे थे ना, वो नॉर्मल जो वो पढ़ रहे थे वही सेम चीज में होता है. इसमें इफ ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट, then अगर growth constant हो then क्या होगा, v is equal to v naught 1 plus r by 100 upon n. ये formula हो जाता है growth का. growth में ये v क्या है, ये आपका जो आने वाला situation होता है ना, यानी कि growth increase होने के बाद का जो situation होगा उसी को बोलते हैं v. तो यहाँ पे आपका आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर, रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर. एक ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ बताता है. एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, जिस तरह से उसमें क्या ले रहे थे, टाइम ले रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होता है, मतलब कितने साल बाद. उसके बाद वी नॉट क्या है, प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी, प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, प्रेजेंट मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का होगा. उसके बाद नेक्स्ट वी क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ क्वांटिटी after n years. तो measure of quantity after n years. तो आप क्या देख रहे हैं, ये formula आपका similar लग रहा, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है relate कर पा रहे हैं. किस चीज से relate करेंगे आप
कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू p प्लस r बाय 100 अपॉन t। ये हम बताते थे ना फॉर्मूला जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, तो आप देख रहे हो सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे रेट था, यहाँ भी रेट ही है, यहाँ पे टाइम होता था एक साल दो साल तीन साल, यहाँ पे भी टाइम है, n आपका क्या है टाइम है, एक साल दो साल तीन साल चार साल जो भी हो। v नॉट क्या है वो आपका, ये आपका p क्या था, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब कि कोई किसी से उधार देता है या किसी को उधार देता है, यानी बोरो करता है या फिर लेंड करता है, कोई भी चीज आपका करे या किसी को दे या ले, आपका क्या हो जाएगा p, आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो एक्चुअल अमाउंट रहता है। a क्या होता है जो इंटरेस्ट के साथ मिलकर आपको इंटरेस्ट के साथ मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वही है ना, वी नॉट क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आप मान लो 10 लाख किसी का और किसी एरिया का पॉपुलेशन है, तो 10 लाख क्या हो जाएगा प्रेजेंट में, कम हो जाएगा, तो प्रेजेंट का सिचुएशन वी नॉट हो जाएगा। बोलेंगे 2 साल बाद उसका 10% बढ़ रहा है, 10 टाइम करके बढ़ रहा है, 2 साल बाद कितने पॉपुलेशन होंगे, तो इस फॉर्मूला में अगर रख देते हैं तो वी जो आएगा वो अमाउंट हो जाएगा, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ के मतलब 2 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा उस चीज का जो मेजरमेंट है वो आपका भी देगा। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल क्या है, ये ग्रोथ का मेरा फॉर्मूला है जो हम आगे अपने क्वेश्चंस में यूज करने वाले। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसमें एक चीज और आ रहा है, जैसे कि हम सक्सेसिव रेट लगा देते हैं ना उससे, उस तरह से यहाँ पे भी आता है, इसको रफ करते हैं। डेप्रिशिएशन वर्ड से क्या पता चलता है,
कंपेयर करेंगे अगर ग्रोथ के हिसाब से थोड़े कम सुने होंगे। लेकिन डेप्रिशिएशन होता क्या है, जिस तरह से ग्रोथ का मतलब इंक्रीमेंट होता है ना, उस तरह से डेप्रिशिएशन का मतलब होता है डिक्रीमेंट, यानी कि घटना, किसी की वैल्यू घटना, किसी का मेजरमेंट घटना। आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है घटना, ऑब्वियसली घटना पॉसिबल है अगर आप पॉपुलेशन ही मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कहीं पे पॉपुलेशन आपका 10 लाख, कुछ लोग मरने की वजह से वहाँ पॉपुलेशन घट गई, तो क्या हो गया, डेप्रिशिएशन होने गया। अब हम एक आइडियल आपका एग्जाम्पल देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब ऑब्वियसली मरेगा तो कुछ फायदे भी होंगे, लेकिन एवरेज ले रहे हैं किसी से, अगर डेप्रिशिएशन तो समझाएंगे। तो इसके अलावा जैसे कि आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या कोई मटीरियल या कोई क्लोथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, जब आप न्यू खरीदते हैं तब उसका कॉस्ट मान लीजिए कोई भी आप 500 रुपीज में आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई क्लोथ, और उसको आप पहने आराम से, 1 साल 2 साल पहने आराम से, पुराना हो चुका है, फट चुका है, खराब हो चुका है, अब आप उसको किसी को देंगे तो ऑब्वियसली वो आपके उसकी वजह से 500 रुपीज वापस नहीं देगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो लिए जब थे तब तो 500 रुपीज के लिए थे। समय के साथ महंगाई बढ़ती है तो क्या आपका टी शर्ट का भाव बढ़ा, नहीं बढ़ा। रीजन क्या है, क्योंकि आपने उसे यूज किया, आपने उसे पहना, वो फट चुका है, खराब हो चुका है और कपड़े पुराने हो गए हैं, उसके वजह से उसकी वैल्यू क्या हुई, घट गई। तो ये जो घट जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे व्हीकल यूज कर रहे हैं तो व्हीकल आपको पता है कि 10 साल बाद, मान लो आज जो आप बाइक खरीद रहे हैं या बाइक यूज कर रहे हैं, आज आप खरीद रहे 10 साल बाद क्या सेम बाइक आपको मतलब उतने कॉस्ट में क्या उस बाइक को बेच पाएंगे, जितना आप खरीदे हैं, बिल्कुल नहीं। जब आप बेचेंगे तो ऑब्वियसली जब आप खरीदे हैं उससे कम ही कॉस्ट में मिलता है। अच्छा, मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल मतलब नॉर्मली लोग खरीदते हैं, बेचते भी है। आप देखे होंगे 10,000, 12,000, 15,000 का जो मोबाइल आते हैं वो आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब बेचने की बात आती है तब मुश्किल से इंसान 3,000 देता है, 2,500 देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उस मोबाइल की वैल्यू घट गई। क्यों वैल्यू घट गई, भाई महंगाई बढ़, अगर वही मॉडल आप न्यू खरीदने जाओगे तो वो आपको उसी कॉस्ट में देगा, लेकिन आप किसी और को यूज करके दे रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, यानी कि उसका कॉस्ट कम हो जाता है बोल सकते हैं, या वैल्यू कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते, ठीक है, उसको हम क्या। और इसका जो फॉर्मूला है ना वो आपको ग्रोथ से या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे यूज क्या करना रहता है, प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करते, ओके। इसका लिख लेते हैं, इसका रेट क्या हो जाता है, द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू पर ईयर इज नोन एज डेप्रिशिएशन। ठीक है, द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू यानी कि वैल्यू का डिक्रीज होना यानी घटना पर ईयर हर साल इज नोन एज डेप्रिशिएशन, इज नोन एज द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, इसको लिखें रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है, रेट ऑफ क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन, ओके। इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज कॉन्स्टेंट, इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज कॉन्स्टेंट, देन इफ द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज कॉन्स्टेंट देन V is equal to V naught 1 minus R by 100 upon N। ये भी फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा, बस डिफरेंस क्या हो गया, प्लस की जगह पे यहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम क्या करें, घट रहा मेरा वैल्यू, ठीक है, घट रहा इस वजह से। तो V is equal to क्या है, V naught 1 minus R by 100 upon में आपका पावर में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिशिएशन हो रहा है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली घट रही है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब लिख लेते हैं आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन
a percent rate of depreciation per year. Rate of depreciation per year, ठीक है? हर साल क्या हो रहा है? रेट आपका घट रहा है, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन पर ईयर क्या है? आपका आर परसेंट है, ठीक है? उसके बाद टेन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? आर क्या है? आपका नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है? तो वी क्या हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है? ऑफ एनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, वी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आफ्टर वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आफ्टर एंड ईयर्स, ठीक है? और एंड ईयर्स के बाद वैल्यू जो हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। एक चीज और जान लीजिए, जो आपका प्रेजेंट है वो तो ये है, जो आपका वी है मतलब कि जो फ्यूचर में होने वाला ये है। हमेशा इस केस में ग्रोथ के केस में क्या होता है ना, ग्रोथ के केस में हमेशा आपका जो वी होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा वी नॉट से। रीजन क्या है? वी नॉट आपका प्रेजेंट है, ग्रोथ हो रहा, तो फ्यूचर में जो वी हो रहा वो हमेशा बड़ा होगा। लेकिन इन केस ऑफ डेप्रिशिएशन, इन केस ऑफ डेप्रिशिएशन वी नॉट हमेशा वी से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्या डिक्रीज हो रहा है, तो वी नॉट क्या है? प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से डिक्रीज होगा मतलब कि छोटा होगा, तो वी आपका बात लगा है तो वो क्या होगा? छोटा होगा हमेशा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओके? और एक चीज, इसमें क्या है कि आपको अगर डेप्रिशिएशन निकालना है, यानी कितना घटा हुआ है, ठीक है? अगर डेप्रिशिएशन निकालना है तो इसमें तो आपको पहले से पता है वी नॉट बढ़ा है, तो वी नॉट माइनस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी नॉट मतलब पहले और जो बाद में आया, उन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो क्या होगा? जो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच का, वही आपका डेप्रिशिएशन वैल्यू होगा, ओके? टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इक्वल टू पी, सॉरी रुपीज मिलियन, सॉरी 32 लेते हैं, 48,000, ठीक है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या है? 48,000। इंक्रीजिंग रेट आपका 5% है एवरी ईयर, यानी कि रेट आपका क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। आफ्टर 3 years व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, क्या आपको बता रहे हैं? फॉर्मूला तो बहुत ईजिली आप यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या मेरे पास है। प्रेजेंट पॉपुलेशन है यानी कि वी नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा? 48,000, ब्रैकेट में प्रेजेंट लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे, ओके? आफ्टर दैट इंक्रीजिंग रेट इज आपका क्या है? 5%, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या है? 5%, आर परसेंट इज इक्वल टू 5%। आफ्टर 3 years यानी कि एन आपका क्या हो जाएगा? 3 years एन क्या हो जाएगा आपका? 3 years हो गया, ओके? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 + R/100 अपॉन एन, ये फॉर्मूला था। मुझे वी निकालना है, वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट 1 + R की जगह 5/100 अपॉन में एन है, एन की जगह आप 3 रखें क्योंकि 3 साल है, ठीक? एन आपका 3 साल, ओके? इसको काटो, 5 × 10 = 0, 0, 0 इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? 20 + 1 = 21/20, काटो। तीन बार है तो 3 बार लिख लेते हैं, 3 0 कट जाएगा, ये तो 4 से कटेगा, यानी कि 2 2 काट तो 4 से, 4 1 = 4, 4 2 = 2 से कटेगा, तो
क्या हो जाएगा 6 × 21 इंटू ये हो जाएगा आपका 4, 4, 1 मल्टीप्लाई कर लेता है। ओके 6 × 1 = 6, 6 × 12 ओके 126 × 4, 4, 1 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एक्चुअली। तो 100 से 126 441 को करेंगे, तो आप 100 से पहले करो 441 00 फिर 20 से करो 2 4 2 8 4 2 8 ठीक है, और फिर 6 से करोगे तो 6 6 6 4 24 24 26 6 ये भी 6 और ये क्या है 6 12 13 14 15 5 11 10 14 15 5 11
प्लस वन दैट विल बी 26 बाई 25 की पावर में स्क्वायर। ये चीज़ को समझ में आ ही रहा होगा। अब हम क्या करते हैं डायरेक्टली पॉपुलेशन 2 years ago is equal to sorry multiply will be multiplied with 26 by 25 again 26 by 25 कुछ कटेगा इससे ये 26 बार में 85% 48 लेकिन फिर भी
डेप्रिसिएशन ही होता है, क्योंकि आप जब भी परचेज करते हो उसके बाद कुछ समय बाद उसका डेप्रिसिएशन होना निश्चित है। तो द वैल्यू ऑफ अ मशीन, एक मशीन जिसका वैल्यू 2 साल पहले जो परचेज किया गया है उसका डेप्रिसिएशन जो रेट है वो एनुअली 10% है, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 9720, यानी कि रुपीज 97,200 रुपीज आपका क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब अभी का वैल्यू क्या दिया हुआ मशीन का, दैट इज 97,200। इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा, और सेकेंडली इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, जब वो खरीदा गया था तब उस समय उसका क्या वैल्यू था। तो सबसे पहले तो 3 साल बाद तो हम तभी निकालेंगे ना जब मेरे पास प्रेजेंट की चीजें होंगी, ठीक है। 3 साल बाद आदमी कब निकालता है, जब मेरे पास पता रहेगा प्रेजेंट में मेरे पास कितना वैल्यू था। तो प्रेजेंट में मेरे पास कितना वैल्यू था, इतना है। अब 2 साल पहले खरीदा गया था, इस वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स निकालना मुझे, प्रेजेंट दिया हुआ है आफ्टर 3 ईयर्स निकल जाएगा। और दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो 2 साल पहले खरीदा गया, ठीक है, चीजें क्या है 2 साल पहले और प्रेजेंट में ये है इसका नाम। 2 साल पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 2 साल पहले नया होगा जो मटेरियल उसका दाम इससे तो ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अभी जब इसका नाम 97,200 है तो 2 साल पहले ऑब्वियसली इसका दाम क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। इस वैल्यू आफ्टर 3 साल बाद क्या होगा, इससे घटेगा। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट 1 - R/100, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं डेप्रिसिएशन के केस में भी, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं रहता है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ पूछा गया है या फिर डेप्रिसिएशन पूछा गया है, उस हिसाब से आपको क्या लगाना है, प्लस या फिर माइनस लगाना, ठीक है। अब वी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा और वी नॉट क्या हो, तो वी नॉट आपका प्रेजेंट सिचुएशन होता है, ठीक है। वी आपका क्या होता है, जो 3 साल या 2 साल बाद है, तो इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, वी नॉट क्या है जो प्रेजेंट वैल्यू, तो इसके बाद क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू वन माइनस आई बाई हंड्रेड अपॉन में एन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द 3 ईयर्स तो मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास दिया हुआ दैट इज 97,200 इन ब्रैकेट 1 - R, R क्या है 10%, 10/100 ये पावर में n है, यानी कि 3 साल की बात की गई, तो यहाँ पे 3 साल आएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में वैल्यू ये है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू गिरने वाली है, बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आंसर गलती से ही बड़ा हुआ आ जा रहा तो आप करोगे, गिरने वाली है। इसको सॉल्व करते हैं 97,200 जीरो से जीरो कर दे, ये क्या होगा 10 - 1 हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा कि पावर में 3, यानी कि 97,200 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 दो जीरो इतनी बढ़ गया, और इसको काटेंगे इससे नहीं काटते हैं इसको, क्योंकि ये आप 2 से काट सकते हैं बट ये 5 आ जाएगा, उसको फिर मेरे को नहीं डिवाइड ही करना पड़ेगा, बेटर है ऊपर के सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है एक्चुअली, तो 999 999 के पावर में क्यूब है, यानी कि 729, मुझे याद ही है एक्चुअली 7 - 9 इसको आप मल्टीप्लाई करके 729 से। तो आप सोचोगे कि एक एक का मल्टीप्लाई करना तो ईजी आता, लेकिन अच्छा है कि एक ही बार में कर दे, पहले तो 700 से कर लो, क्योंकि हम इसको तोड़ देते हैं 700 + 20 + 9 आपका कितना आ जाता है, इतना 7 से करना ईजी हो जाएगा। 7 + 4 कैरी 1, 49 - 50 कैरी 5, 63 - 63 - 67 - 68 700 से हो गई, ठीक है। अब 20 से करते हैं, ये तो 0 रहेगा, 2 * 4 = 7 * 4 = 4 कैरी 1, 9 * 18 = 119 और 9 से करेंगे 9 * 18 = 8 कैरी 1 = 63 = 64 कैरी 6 और 9 * 81 + 6 = 87 ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 * 4 = 8 = 7 = 40 = 115 का 5 कैरी 1 = 16 * 17 = 18 कैरी 1 = 8 * 9 = 10 = 0 7085
8588 इतना रुपीज है एक्चुअली। ये बढ़ कैसे गया है, तो घटना चाहिए ना, बढ़ कैसे गया, गलती है, मिस्टेक किए होंगे, ये तो बढ़ना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, घटेगा एक्चुअली, डिवाइड में 10 ही तो है, उसको तो डिवाइड ही नहीं किया, डिवाइड में 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इजी हो गया मेरा 8588 आ जाएगा इतना रुपीज। ओके मतलब कि 3 साल बाद, पहले तो आपका 3 ईयर्स होता है, 3 साल बाद ये आपका क्या आने वाला है रेट, रुपीज आने वाला है, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। तो देख रहे होंगे आप घट गया है ऑब्वियसली वैल्यू, कितना घट गया, अगर पूछेगा डिक्रीजिंग रेट, किसी का डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग पूछेगा, सिर्फ डिक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीजिंग वैल्यू, तो आप क्या करोगे ऊपर वाला से 97200 से माइनस कर दोगे 70858, ठीक है, 0.8, तो 0.8 का 0.8 ही रहेगा, सॉरी 8 नहीं, से कैरी लेंगे ना, तो ये तो 2 हो जाएगा, 9 से 8 1, 9 से 5 4, इससे कैरी 11 से 8 3, इससे कैरी 6 से 0 6 और 2, ठीक है, तो इतना आ रहा 26341 रुपीज़ आपका लगभग घट गया है। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या निकालना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेस, जब खरीदा गया था तब इसकी वैल्यू क्या थी, इसको रख करते हैं। ओके नाउ इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेस, और इसका प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, निकल जाएगा ऑब्वियसली, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, b इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस आई बाई 100 अपॉन में n, ठीक है, तो b क्या हो जाएगा नॉर्मली, प्रेजेंट वैल्यू का है द वैल्यू व्हेन इट वाज परचेस, जब खरीदा गया था, अभी क्या है प्रेजेंट वैल्यू, यानी 2 साल बाद का वैल्यू है, ठीक है, 2 साल पहले खरीदा गया है तो उस समय ज्यादा होगा रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द वैल्यू व्हेन इट वाज परचेस, तो परचेज के टाइम में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे परचेज टाइम वैल्यू है, वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, व्हेन मशीन परचेज, वैल्यू एट परचेज टाइम लिखते हैं, एट परचेज वैल्यू एट परचेज टाइम क्या होता है, 1 माइनस आर कहाँ है यहाँ पे 10% के पावर में 2 क्यों, क्योंकि 2 साल अगो की बात की गई, पहले की बात की गई, ये तो परचेज का टाइम का वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू थी, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास दिया है दैट इज 97200 वैल्यू एट परचेज टाइम, machine
increasing. Thank you so much guys. Goodbye and take care.